रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने खुद देखा 26 नवंबर को क्या हुआ। 26 नवंबर को मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब आए और फिर उनको ना उनके साथ मुनाजरा किया गया बल्कि इंतजामिया को बुलवा के उनको वापस कर दिया गया और उनके साथ धक्का मुक्की हुई और सारी चीजें हुई। दोस्तों इसकी वजह क्या है? उसकी वजह दरअसल ये है कि अली मिर्जा जो है वो कभी किसी के साथ मुनाजरा नहीं कर सकता। ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि यह आदमी कभी भी किसी के साथ मुनाजरा नहीं कर सकता, सिर्फ ये बातों का शेर है। और इसने जो है हमेशा जिसको कहते हैं कि लफ्ज़ों का खिलाड़ी, ये लफ्ज़ों का खिलाड़ी है और ये सिर्फ लफ्ज़ों से ही खेल सकता है और ये आपको सिर्फ बेवकूफ़ ही बना सकता है और कुछ नहीं कर सकता। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब एक आदमी सहाबा को नहीं मानता या सहाबा के गुरुओं से वर्गश्ता खुद भी है और दूसरों को भी कर रहा है तो वो क्या आपके दीन और मजहब को जो है वो बेहतर कर सकता है। इसलिए मेरा हमेशा से मानना यह है कि ये आदमी जो है वो एक फितना है और ये इसका फितना जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि अहले सुन्नत के अंदर ऐसा ग्रोह पैदा हो गया है जो कि सहाबा के एक ग्रोह से या सहाबा के एक जमात से बरगश्ता है। यानी वो ये समझता है कि सहाबा में से जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला नो के खिलाफ जो सहाबा थे, जो कि बहरहाल अपनी जगह पे सब जन्नती हैं और अल्लाह ताला ने जो है सबके साथ भलाई का वादा किया हुआ है, तो जो कि हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जमात में से ताल्लुक़ रखते थे और खुद हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये और इसके अलावा भी एक दो बड़े बड़े सहाबा हैं जो कि इसके अंदर शामिल हैं, मसलन मुग़ीरा इब्न शुअबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अम्र बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये वो बड़े बड़े सहाबा हैं कि जिनके बारे में अली मिर्ज़ा ने अवाम को बरगश्ता कर दिया और ये जो अवाम बरगश्ता हो गई है ये पहली मरतबा हुआ है। देखिए अहले तशय्यो का मामला तो अलग है, अहले तशय्यो सहाबा के बारे में कुछ भी राय रखते हो हमें उससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन पहली मरतबा सुन्नी मुसलमान जो है वो सहाबा से बरगश्ता हो गया, ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी जो है ये जसारत है जो कि अली मिर्ज़ा ने करी है। तो बात यह है कि यह आदमी कभी भी किसी मुनाजरे में नहीं बैठ सकता, चाहे कोई आप अहले हदीस को लेकर आ जाए, चाहे दियोबंदी को लेकर आ जाए, चाहे बरेलवी को लेकर आ जाए, ये सिर्फ और सिर्फ अपने कमरे में बैठकर और अपने जो शागिर्द हैं उनके साथ जो है वो उनको अपनी इल्मी सतह से और इल्मी अंदाज से जो है वो मुतासर कर सकता है। और ये इल्मी अंदाज इसने सीखा है डॉक्टर इसरार अहमद साहब से, लेकिन डॉक्टर इसरार अहमद साहब की जिंदगी किस काम में लगी और इसने अपनी जिंदगी को किस काम में लगाया और अपने साथ साथ अपने शागिरदान जो हैं उनकी जिंदगियों को किस काम में लगा रहा है, ये देखने वाला पॉइंट है। तो मेरी तमाम जितने भी सुनने वाले हैं अली मिर्ज़ा के जो स्टूडेंट्स हैं और उसके अलावा जितने भी और लोग हैं उनसे मेरी बहुत ही दर्दमंदाना दरख्वास्त है कि वो इस आदमी को सुनना चाहें तो सुने, ज़रूर सुने, लेकिन जो लोग इसको जवाब दे रहे हैं उनको भी ज़रूर सुने ताकि उनके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मैं तो चूंकि डॉक्टर इसरार अहमद साहब के लेक्चर्स सुनते हुए बड़ा हुआ तो मुझे तो कभी भी इस शख्स से कोई ख़ास मुतासर नहीं किया। हाँ कुछ कभी कभार कुछ याद दहानी वाली चीज़ें अच्छी ये कर लेता था, लेकिन जब ये उलमा को चैलेंज करने पर आता है तो वहाँ पर ये अपने लिए खुद गड़ा खोद लेता है। उलमा के अंदर होंगी बुराइयाँ होंगी, ये एक तबका है जो कि कभी कभार जिसमें कुछ बुराइयाँ आ जाती हैं, लेकिन फिर भी उम्मत कभी भी जो है वो उलमा हक से जो है वो महरूम नहीं रही है और ना रहेगी इंशाल्लाह। तो बहरहाल ये आज तक की मेरी बात थी और मेरी दरख्वास्त है जितने भी सुनने वाले हैं कि वो अली मिर्ज़ा को अगर सुनना चाहते हैं तो ज़रूर सुने, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग उसको जवाब दें उनको भी लाजमी सुने। आज तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए मौजू के साथ। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इसरार अहमद साहब की इस वीडियो को बगौर देखें और वीडियो के आखिर में आपसे चंद सवालात किए जाएंगे जो कि इसी वीडियो से रिलेटेड होंगे, तो उनका जवाब भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में देते जाइएगा और साथ ही साथ हमें बताइए कि हम इस चैनल को मज़ीद बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।